Students, welcome to Maxwell Study Hub. Today we are going to speak about life processes. अब life process को जानना है उसके related in humans what is basically बहुत ज़्यादा special characters होंगे, specialized tissue है हमारे पास in case of us. But at the same time you need to know कि life process होते क्या हैं and उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं एंड व्हाई दे आर नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल सो लेट्स स्टार्ट. इन बिटवीन दिस इंटरेक्शन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक बहुत ही लॉजिकल थिंग्स सो दैट एक लाइफ प्रोसेस के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, पहले आई विल मेक अ बेस. लाइफ प्रोसेस को समझने के पहले आपको कुछ बेस रेडी करने होंगे. उस बेस को रेडी होने के तुरंत बाद आई विल स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेस और रिमेनिंग थिंग्स जो जो आपने दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. अब ये चार मेजर टॉपिक आज आप एक्चुअली आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हो. बट बिफोर दैट ये चार जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये जो भी है, वाई इट इज़ नेसेसरी, सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, वॉट दिस पिक्चर इज एक्चुअली, how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? For example, this man is shouting और वो doggy run हो कर रहा है. ये अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे बताओ कि difference क्या है, कि कोई जिंदा है, क्या बोलोगे आप? मैम ये difference देख सकते हो, यहाँ पर कुछ activity हो रही है, the dog is running and the man is shouting. तो यहाँ पे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि या ये लोग जगे हुए हैं एंड येस दे आर मूविंग. सो यहाँ पे यू कैन से दे आर अलाइव, या इन दिस पिक्चर या इट इज क्लियर कट दैट दे आर अलाइव. लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन देन, व्हाट इफ दे फॉल असलिप. अब यहाँ पे ये लड़का भी सो गया और ये काउ भी सोने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो लेडी उसको हेल्प कर रही थी सुलाने में उसको. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, स्टिल यू विल से कि ये लोग दे आर अलाइव, येस बिकॉज दे आर ब्रीदिंग. तो सेकेंड एक कैरेक्टर है जो विजिबल है हमारी आंखों को कि समथिंग, मतलब मैंने जैसे आपको क्वेश्चन पूछा वॉट इज अलाइव वॉट इज नॉट, यू कैन से मैम विजिबली मुझे दिख रहा है कि दे आर रनिंग, दे आर डूइंग सम एक्टिविटी. उसके बाद भी हमने क्या बोला, अगर विद देयर स्लीपिंग ऑल्सो तो येस दे आर ब्रीदिंग, उनमें कुछ एक्टिविटी हो रही है. सो दैट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस, मतलब यहाँ पे लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं. बट क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ है बताने के लिए कि somebody is alive or not? Is this definition is enough to define whether a person, whether a individual or living organism is alive or not? Okay. So this was the case with respect to a person, मतलब human beings और animals को लेके. What about the plants? अब मुझे plants को बोलोगे कि मैम plants में हम living जो मतलब जो they are alive हम कैसे समझ पाते, क्योंकि वहाँ पर green leaves आती हैं. You can see here green leaves there. हाँ, अगर what if अगर plant का color, उसकी पत्तियों का color कुछ और होगा तो do you say the same thing then also कि भाई ये लोग alive हैं? What happen when they fall, leaves are, जब leaves गिर जाती हैं उसकी, so what happens? So yes, तो यहाँ पे एक बात conclude करने लायक है कि visible जो हमें दिख रहा है, it is not enough to define whether a person, whether a life process, living organism is alive or not. आप जो विजिबली देख रहे हो कि अरे मूवमेंट होगी, सांस लेंगे तो बस तभी अलाइव है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है. देर आर सम डीपर डेफिनेशन फॉर मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. एंड दैट्स फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो काम है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, क्या मेरा सिर्फ यहीं पर प्रोसेस ख़त्म हो रहा है? माई सेल्स आर ऑल्सो वर्किंग at the same time my cells are working, even though if I'm not working, I'm just standing over here in front of you. आपको फिर life process, आपको respiration की ज़रूरत नहीं है,
है तभी है. इवन दो यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी और नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर, देन ऑल्सो योर लाइफ प्रोसेस शुड गो ऑन. दे शुड नॉट स्टॉप, अदरवाइज डेथ हो जाएगी. हमारा बॉडी सिस्टम दिन रात काम करता है. इवन वी जब हम सो जाते हैं, क्या हमारी हार्ट बीट्स रुक जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम काम करने हमेशा लगा हुआ रहता है. हमारे ऑर्गन्स काम करने में हमेशा लगे हुए रहते हैं. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन फॉर टुडेज चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस. Visible movement as the defining characteristic of life is not enough. You cannot say ki somebody okay ye breathing kar rahi hai but itna hi hai. No, you have to go till molecular level. और वही molecular level की मैं बात कर रही थी जब मैंने आपको बताया मेरे organs काम कर रहे हैं, मेरे cell काम कर रहे हैं. Movements over a very small scale will be invisible to the naked eyes. Movements of molecule. My cells are working, my mitochondria is working to perform the respiration. To अभी इतना तो पता होगा कि mitochondria is what? Mitochondria is the powerhouse, जहाँ पे energy production होगा. Even though I'm not running, I'm just sitting, my mitochondria is working. At that is known as a molecular level. आपके cells तो भी काम करते रहते हैं. Why are the molecular movements needed for life? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सेल ने काम करना बंद कर दिया, फिर आगे क्या उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? टिश्यू पे. टिश्यू का इफेक्ट किस पे जाएगा? ऑर्गन पे. और ऑर्गन का पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा. तो इसीलिए इन ऑर्डर टू, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मैंने जो खाया, सॉरी, जो मैंने कंज्यूम किया, उसको डाइजेस्ट, उसको तोड़ना होगा. उसके लिए मेरे सेल को काम करना बहुत ज़रूरी है. तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होनी बहुत ज़रूरी है सो दैट लाइफ मेंटेन रहे. कमिंग टू द अनदर थिंग ऑल्सो, आप छोटे थे तब से लेकर अपने जब साइकिल चलाना सीखी होगी या जब आप खेल कूद करने गए होंगे, आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्रेकडाउन भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है? तो हीलिंग की पे भी प्रोसेस हो रही थी, आपके लाइफ प्रोसेस होती जा, मतलब एक मेंटेनेंस भी होता जा रहा था. इन्वायरमेंट को हम मतलब जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल. बट व्हाट इज इन माय कंट्रोल? मेरी बॉडी, मेरा ऑर्गन सिस्टम. और वहां पे जस्ट अगर चेंज इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो मुझ में भी चेंज होगा. और मेरी बॉडी को क्या करना है? मेरी बॉडी को मेंटेनेंस करनी है अपने लिए. एंड दैट मेंटेनेंस कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस. वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड इफ दे ब्रेक, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक आर एग्जांपल ओनली. मैं ह्यूमन हूँ. आई एम नॉट एनिमल, एक्सट्रीमली सॉरी. ह्यूमन्स में वी हैव ऑर्गन सिस्टम, सेल, टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. अगर ये जो है, ये जो हायरार्की जो बनी हुई है, इसमें से एक भी अगर ब्रेक हो गया, क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन अ डेथ. एक भी लाइफ प्रोसेस, एक भी ऑर्गन ने अगर जवाब दे दिया कि नहीं, विल नॉट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ अनदर, व्हाट विल हैपन? देर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, देर विल बी नो कंप्लीटिंग टास्क, कुछ नहीं होगा. तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? हमारे पास जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दे ऑल आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस के लिए हमारी लाइफ पूरी बॉडी के. सो दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर. एंड दैट होल सर्कल, होल थिंग इज नोन एज लाइफ प्रोसेस. मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमंस ओनली. हमने खाना खाया, हमने खाना लिया, हमें उसे पहले क्या करना पड़ेगा? बड़े मॉलिक्यूल्स हमको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा. उस खाने के बाद उसको तोड़ना इज वॉट, और उससे न्यूट्रिशन निकालना इज वॉट, इज डाइजेस्टिव सिस्टम की एक रोल रहती है. डाइजेस्टिव सिस्टम में वी ऑल आर वेरी कन्फ्यूज कि डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी प्रोडक्शन करता है. नॉट एट ऑल.
डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बिग बिग मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ दिया जाएगा, सो दैट आगे चलकर वो क्या हो जाएंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू द ब्लड एंड ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप दैट इज रेस्पिरेशन, वहां पे क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब एनर्जी जब प्रोडक्शन होगा, इस सब में क्या लगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए हमारे पास बहुत अच्छा, हमारे जो न्यूट्रिशंस जो हमारे प्रोड्यूस हुए, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो इट शुड बी ट्रांसफर्ड, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। और जाहिर सी बात है आफ्टर डाइजेशन जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल होगा उसको भी बॉडी से निकालना है, एंड यस किडनी यूरिनेशन का काम करेगी, एक्सक्रीशन उसको बोलते हैं, इट विल बी डन बाय अनदर सिस्टम। तो यहाँ पे चार सिस्टम साथ में है, चार ऑर्गन, और इसमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स, दे आर ऑल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। सो दैट इज नोन फॉर अ लाइफ प्रोसेस, ये एक बेस मैंने क्रिएट किया, अलाइव है उसके लिए विजिबल मूवमेंट ही नहीं है इनफ, डिफाइन हमको कहाँ करना होगा, जाकर मॉलिक्यूलर लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके सेल भी काम करते हैं, और ये सारे सेल ऑर्गन टिश्यू दे ऑल आर वर्किंग सो दैट मेंटेनेंस प्रोसेस हो, अच्छा हो आपकी बॉडी का। अब मेंटेनेंस अगर प्रोसेस अच्छा नहीं हुआ, सेल ने काम करना बंद किया, यू वोंट बी एबल टू कम्प्लीट एनी टास्क, एंड आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर लेवल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सी फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन्स ऑल्सो, आफ्टर द डाइजेस्ट खाना लिया, उसको तोड़ा, बड़े मॉलिक्यूल को, इतना बड़ा मॉलिक्यूल था उसको तोड़ा, ग्लूकोज मिला, इसमें रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शन होगा, जो वी आर गोइंग टू टॉक व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू रिडक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दिस फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अलाइव है नॉट अलाइव है उसके लिए विजिबल मूवमेंट नहीं इनफ होती, उसके बाद हमने किस पे बात की, मॉलिक्यूलर मूवमेंट पे, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे, जहाँ पे आपके सेल तक बात पहुँची थी, एंड यस आपके सेल्स को काम करना है सो दैट एक प्रॉपर मेंटेनेंस बना रहे आपके ऑर्गन्स का, और आप अपना काम कंप्लीट कर पाओ, आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओ। एंड इन कंटिन्यूएशन विद दैट लेट्स मूव अहेड विद दिस क्वेश्चन, व्हाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, तुम्हें चाहिए क्यों, चाहिए क्यों, आप जब बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो जैसे ये इन्होंने की है, अगेन उनके बॉडी पे उसका असर नहीं दिख रहा है ज़्यादा जितनी उनके स्वेटिंग हो रही है उनको, बट एक्सरसाइज करने के बाद हम इतना थक क्यों जाते हैं, डायरेक्टली वी जस्ट आस्क फॉर कि हमें कुछ खाना है, क्यों, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं उनको एनर्जी चाहिए, अगर उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप भी थका हुआ महसूस करोगे, सो यू हैव टू फीड योर ऑर्गन्स ऑल्सो, ऐसा नहीं उनको जाके दाल चावल खिलाना है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू हैव टू गिव देम न्यूट्रिशन सो दैट दे कैन वर्क without any problem. So let me talk, if you have not understood this, you have to understand from this. What we are here. Okay, this man is dancing. We are here. हम कैसे हैं ये? ये अंकल कितने देर तक डांस करेंगे? जब तक उनके ये सारे organs, ये cell level, ये सब उनका काम करेगा. अगर इसमें से किसी ने भी उनको धोखा दे दिया कि नहीं अभी मुझे चार्ज नहीं, मेरे अंदर कुछ अभी है नहीं, ताकत ही नहीं है, तो ये अंकल थक जाएंगे और बैठ जाएंगे, उनकी एनर्जी डाउन, वो बैठ जाएंगे, वो डांस नहीं करेंगे। सो हियर आर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक दिस, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, हमारे पास ऑर्गन है, वो ऑर्गन में क्या है, टिश्यू है, और यहाँ पे क्या है, सेल। सो अल्टीमेटली द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, आपके जो लाइफ प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो सब का सब होगा अच्छी तरीके से इफ दिस फेलो इज वर्किंग प्रॉपरली। सेल अगर नहीं अच्छे से काम किया तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, अंकल थक जाएंगे और बैठ जाएंगे। व्हाई ही इज डांसिंग, बिकॉज एवरीवन इज
उनके जो ये चारों लोग हैं ये अच्छे से काम कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली, सो दैट्स व्हाई ही इज डांसिंग. सो आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ ये डांसिंग का एग्जांपल दिया बिकॉज आप अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, आप मेरी बातों को समझ कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर पा रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? ऑल बिकॉज यू शुड ईट प्रॉपरली. उसके लिए आपने अच्छे से खाना खाना चाहिए. दो दिन खाना नहीं खाओ, तीसरे दिन पढ़ने को जॉब नहीं होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू. आप थका हुआ महसूस करोगे, मे बी यू विल स्लीप बिकॉज थक चुके हो आप, आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं गया, हाउ यू गोइंग टू हेल्प? सो येस द फर्स्ट एंड दैट इज द फर्स्ट हिंट, आपको हेल्दी रखना है तो आपके लाइफ प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है, आपके सेल्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. समझे? सो लेट्स मूव अहेड. So why we need energy? This is the simplest picture I can say. We have digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system and external and internal organs. They all are working in coordination with each other so that आपका काम अच्छे से complete हो, you stay healthy भी रहोगे. So all because they all are working in coordination with each other. So और इनको, इन चीज़ों को, इन life process को करने के लिए we need energy. ठीक है? So ये answer हो गया energy का. Let's move ahead. Now we have reached to the life process. The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. I'm just sitting. मेरी heart beats रुक जाती हैं कि नहीं नहीं अभी स्वाति कुछ काम नहीं कर रही है तो उसको खड़े रह बैठी हुई है तो इसको जो है कुछ इसका हार्ट बीट्स बंद, मतलब इसकी एक्टिविटी कम कर दो. नहीं, मेरे हार्ट बीट्स काम कर रहे, मेरा सेल काम कर रहा है, मेरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हर लेवल पे काम कर रहा है, दे हैव नॉट स्टॉप वर्किंग एंड दैट्स वाई हमें एनर्जी चाहिए ही रहती है कंटिन्यूसली. जब एनर्जी ख़त्म होने लगेगी, वैसे आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, एनर्जी कुछ अपने लिए न्यूट्रिशन वो रखती है, वो क्या सोचती है कि फॉर एग्जांपल जब आप फास्ट करते हो तुरंत आप ऐसे ये नहीं कि एक घंटे में चक्कर आके गिर के फेंट हो गए, नहीं, आपकी बॉडी थोड़े देर तक कुछ घंटों तक उस चीज़ से डील कर पाती है. क्यों? बिकॉज उसने स्टोर भी किया है, वो स्टोर को यूज़ कर लेती है. बट येस अगेन द सेम थिंग, कंटिन्यूस वर्किंग है तो कंटिन्यूस एनर्जी भी चाहिए. Even when we are just sitting in a class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. Kidney ka filtration ka kaam chalta hi rehna chahiye, heartbeats chalte hi rehna chahiye, lungs kaam karte hi rehne chahiye, main saans breathing karte hi rehni chahiye. Even though I'm sleeping, but breathing should be there na, that's why I'm alive. These processes which together perform this maintenance job are life processes which we have just seen here. This is the maintenance process. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. Maintenance है जिसमें breakdown और damage सबको control किया जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, इनको किसकी ज़रूरत है? Organs को अगर काम कराना है तो उनसे क्या, उनको energy देनी ही पड़ेगी. So that's what nutrition comes into the picture. This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy from outside of the body of the organism, which we'll call food, to the inside. A process we commonly call as nutrition. Nutrition matlab khane ko lena, khana. अभी मैंने लंच में राजमा चावल खाया या पुलाव बिरयानी खाई तो मैंने खाना लिया, मैंने न्यूट्रिशन लिया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ माय बॉडी, सो दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. खाने को लिया मैंने अपनी बॉडी में एंड दैट विल बी प्रोसेस्ड आगे चलकर. बट ये जो ऑप्टेनिंग द फूड है, ऑप्टेन जो किया मैंने फूड को, इट इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन. सो हियर वी गो फॉर न्यूट्रिशन. दिस इज वन ऑफ द, that's why I have kept this also because आपकी nutrition से ही आपकी health जुड़ी हुई है. Again, why we need energy से ही related है, but now you know all these things. Let me just read quickly, फटाफट. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will be also needed from outside. Growth में बोलते हैं ना, बच्चा grow हो रहा है अभी, इसको तब ज़्यादा खाने की ज़रूरत है,
खाना खाना चाहिए, प्रॉपर इसको मिल्क प्रोटीन्स मिलने चाहिए सो दैट ग्रोथ में कभी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए ताकि उसका ब्रेन उसकी बॉडी सब अच्छे से ग्रो हो. सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स आर ऑल कार्बन बेस्ड रहते, सारे ऑर्गेनिक फूड हम खा रहे हैं ना. डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस. उसको ऑप्टेन करने के लिए डिपेंड करता है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी. अब जो प्लांट जैसे अपना खाना बनाता है मैं नहीं बना सकती, आई एम अ हेटरोट्रॉप्स, आई कैन नॉट. तो मेरे लिए क्या है, मैं उस प्लांट का जो फ्रूट्स है उसको खा रही हूँ, वो कॉम्प्लेक्स है. तो मेरे अंदर एक डिफरेंट पूरा एक मशीनरी है कि उससे रिलेटेड उसको पहले क्या करना है, उस प्लांट का जो फ्रूट मैंने खाया है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करूँ, अपने लिए सारा न्यूट्रिशन उसमें से जो विटामिन है वो निकाल लूँगी, अनएब्जॉर्ब को बाहर फेंकूँगी अपनी बॉडी से, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मैं अपने लिए क्या करूँगी, अपने सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करूँगी. When we walk or ride on a bicycle, we are using up energy. अब एनर्जी हम ऐसा नहीं स्टोर नहीं कर सकते आप एनर्जी, बिकॉज यू आर वर्किंग, आपके ऑर्गन्स आर वर्किंग, तो एनर्जी लेते हो और यूज़ करते हो, लेना है यूज़ करना है, यही चलता रहेगा प्रोसेस. इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आर बॉडी. वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. तो हमें क्या चाहिए था, हमने पहली बात क्या सीखी, life process क्या है, actually a maintenance process है. उसमें मेरे organs coordination में काम करते हैं, उनको coordination में काम करवाना है तो energy चाहिए. अब वो energy कहाँ से मिलने वाली है, मेरे खाने से. फूड को लेना, obtain करना, nutrition, उसको क्या बोलते हैं, nutrition बोलते हैं. तो चौथा source हो गया न्यूट्रिशन के बारे में सीखा, और हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फूड. इज एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, अब यहाँ पे बढ़ते हैं. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ इज सनलाइट, कैप्चर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज इट सो, इसका मतलब क्या है, हम क्या है, हम बहुत सेल्फिश हैं, हम नहीं बनाते खाना. मेरी मम्मी क्या करती हैं, मैं राइस मम्मी को, मेरी मम्मी क्या करेंगी, राइस लेंगी और उसकी बिरयानी बनाएंगी, गेहूँ लिया उसकी रोटी बनाएंगी, वो मैं खाऊंगी. सो वी कुक द फूड. क्या मैं एटमॉस्फेयर से सनलाइट को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके, CO2 को यूज़ करके अपने लिए खाना बना सकती हूँ जैसे प्लांट करते हैं? नहीं. सो वॉट वी आर डूइंग, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स. वो प्रोड्यूसर प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं और हम जाके उनको खाते. तो यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली, प्लांट को एनर्जी किसने दी, सनलाइट ने. एंड दैट्स व्हाई इन अ इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज वन वे. प्लांट को सनलाइट ने एनर्जी दी, उसने CO2 सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया और अपने लिए खाना बना के आपको ऑक्सीजन बाहर दे दिया. ठीक है, वो ग्लूकोज उस प्लांट का जो है वो आपने खाया, ऑक्सीजन जो प्लांट ने दिया था उसको आपने रेस्पिरेशन में ले लिया, इनहेल कर लिया और उससे अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर ली. उसके बाद ये तीनों लेवल, ट्रॉपिकल लेवल भूलो मत, प्लांट, हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनीवरस. तो ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये ऑल आर डिपेंडेंट, और इनको सबको किससे एनर्जी मिली, प्लांट से. प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली, एनर्जी सनलाइट से. सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ ऑन अर्थ दैट इज सनलाइट, कैप्चर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द शुगर एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया. फोटोसिंथेसिस किया, उसने अपने लिए खाना बनाया, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया उसने, उसमें उसकी बॉन्ड्स में क्या स्टोर कर दी, एनर्जी. तो हम लोग क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेते हैं. मैंने वो राइस खाया, उसको ग्लूकोज मैंने अंदर लिया, मेरी बॉडी ने क्या किया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा. तो उसमें क्या थी, किसने एनर्जी स्टोर की थी,
प्लांट ने, तो वो एनर्जी, जब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा तो एनर्जी रिलीज हुई और वो मेरे बॉडी के लिए, मेरे सेल्स के लिए यूज में आई. अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव अहेड. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट, वो क्या करते हैं? वो CO2 लेते हैं, वो सनलाइट लेते हैं, उनका रूट क्या करता है? वाटर लेता है सॉइल से और उसको मिक्स करता है, क्लोरोफिल उनके पास होता है और वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और खुद के लिए खाना बना लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉप्स. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम. अभी क्या है, मैंने क्या किया, इसने तो खाना बना दिया ऑटोट्रॉप्स ने, मैंने क्या किया, मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया. जस्ट अभी मैंने एक पहले वाली स्लाइड में समझाया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्लांट ने क्या कर रखी है, जो सनलाइट से उसने एनर्जी कैप्चर की थी उसमें उसको छुपा दिया, स्टोर कर दिया. तो अब मैंने क्या किया, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, मैंने वो राइस खाया जिसमें वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, वो शुगर थी. मैं क्या करूंगी उसको, इट शुड बी ब्रोकन डाउन ना, अदरवाइज हाउ आई विल गेट द एनर्जी. तो उसको क्या है, ब्रोकन डाउन करना है. एंड यस, देयर आर सेवरल एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, इसलिए उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, क्योंकि वो बायोलॉजिकल ओरिजिन का है, इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट. हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स. तो हम ये जो तीनों देख रहे हो ना, दे ऑल, ये तीन प्लांट को छोड़ के ये तीनों क्या है, हेटरोट्रॉप्स है. सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर आर फूड. हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स ह्यूमंस एंड फंजाई. इवन आई एम ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स बिकॉज आई कैन नॉट प्रोड्यूस माई ओन फूड. मैं सनलाइट और इसको यूज करके खाना बना पाऊंगी? नहीं. अब न्यूट्रिशन जो है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन हेल्थ, दे आर डिवाइडेड इंटू 6 कैटेगरी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, विटामिंस, लिपिड्स, ये सब कुछ आपकी डाइट में जब आ जाता है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, उस एंड दैट सपोर्ट्स अ गुड हेल्थ, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. एंड इट इज़ अ बज वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट सो दैट आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो हो, आप अच्छे रहो, हेल्दी रहो. सो व्हेन दीज, सो व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हेन दीज 6 एलिमेंट्स कम्स टुगेदर एंड दे आर प्रेजेंट इन योर थाली इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन, दे इट इज नोन एज न्यूट्रिशन और अ बैलेंस डाइट. नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना खुद से बनाने वाले, हेटरोट्रॉप्स मतलब टू डिपेंड रहने वाले, खाना खुद से नहीं बना सकते. सो दे आर 2 कैटेगरीज, इसमें मेजॉरिटी आपको अब पता चल चुका है. ऑटोट्रॉप्स विल बी होंगे प्लांट्स और हेटरोट्रॉप्स मतलब हम एनिमल्स और फंजाई. अब बच्चों, आई हैव मेड 2 to 3 स्लाइड्स ऑन दिस ओनली, सो दैट ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का पूरा फर्क समझ जाए आपको और याद भी हो जाए कि दोनों में मेजर फर्क क्या है. तो ऑटोट्रॉप्स प्लांट हो गए, हेटरोट्रॉप्स हम हो गए. आगे बढ़े, एक और पिक्चर देखते हैं. वाटर मिला सॉइल से, सन से क्या मिला एनर्जी, प्रोड्यूसर कौन थे, प्लांट. उन्होंने क्या दिया उसको, किसने, ये प्लांट को कौन खाते, हर्बीवरस, उसके बाद ओमनीवरस, फिर कार्निवरस एंड टर्शरी, एपेक्स कंज्यूमर्स बोलते हैं उसको. और ये जब सब खत्म हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोजर्स को, एक्चुअली योर मशरूम इज अ फंजाई जो किस पे, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना खाने को, तो वो क्या करता है, वो डिकम्पोज करता है. इट इज डिपेंडेंट ऑन वॉट, वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और उससे क्या करेगा, खुद के लिए एनर्जी लेगा. और बाकी एक्चुअली जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन होता है ना, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी बाय दिस फंजाई, व्हाट इट विल डू, वो जो कुछ रिलीज करता है न्यूट्रिशन, जो अगेन सॉइल और वाटर और एयर में चले जाएंगे, सो दैट इसको वो सब फिर से न्यूट्रिएंट फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से ट्रांसफर हो जाएंगे. मतलब ये साइकिल चलती रहेगी, बट एनर्जी कभी सनलाइट को वापस नहीं जाती. तो एनर्जी फ्लो जो है इन अ इकोसिस्टम, इट इज वन वे, वेयर एज इन केस ऑफ न्यूट्रिशन इट इज साइक्लिक. अंडरस्टूड?
don't go in that deep. We have to just focus on types of nutrition. We have autotrophic nutrition, we have heterotrophic nutrition. Producing organic nutrients from the inorganic substances like CO2, sunlight ko use karke plant ne apne liye khana banaya. Heterotrophic matlab obtaining organic nutrition by feeding on other living things, for example animals. Plants ko kha liya to. So in this plant autotrophs hain, ye kya hai heterotrophs, because wo us pe feed karta hai. Here depending upon ki kaisa फूड जो मटेरियल है एक्चुअली वो किस स्टेज में है. फॉर एग्जांपल इन दिस केस ग्रास क्या है, स्टेबल है, वो एक जगह, उसकी पोजीशन वो मूविंग नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव, इसका जो फूड को ऑब्टेन करने का तरीका है, जो न्यूट्रिशन को पाने का तरीका, इट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ टाइगर जो अपने जो शिकार किसको करता है, अ मूविंग किसी ऑर्गेनिज्म को जब वो अटैक करता है, तो उसकी अटैकिंग को वो क्या कर रहा है, वो ऑब्टेन कर रहा है अपना फूड. तो यहाँ पे इसका जो फूड मटेरियल है टाइगर का, वो मोबाइल है. इन केस ऑफ दिस इट इज कॉन्स्ट, एक जगह पे रुका हुआ है, स्टेबल है, ठीक है. तो यहाँ पे भी फर्क आते, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं ना, उनको व्हाटएवर मैं बार बार क्या अभी क्या समझा रही थी कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ दैट फूड मटेरियल, उसका ऑप्टेन करने का तरीका भी हेटरोट्रॉप्स का अलग अलग है. इन केस ऑफ अ टाइगर जो एक मूविंग फूड मटेरियल को पकड़ता है और खाता है, उसका कैसा है टारगेट, मोबाइल है. इन दिस केस इट इज स्टेबल. सो टुडे फर्स्ट लेट स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बहुत ज़्यादा इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है, लेट्स अंडरस्टैंड. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. तो सारा खाना कैसे मिलेगा, फोटोसिंथेसिस से. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इन टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा पता है, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, वहां से आ जाएगा. वाटर रूट लेकर आएंगे सॉइल से, उनसे वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट. क्लोरोफिल उनके पास होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है. और सनलाइट कौन देगा, एनर्जी देंगे. एनर्जी कहाँ से आएगी, सनलाइट से. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. The carbohydrate which is not used immediately are stored in the form of starch, which serve as the internal energy reserves to be used as and when required by the plant. तो extra है जो अब मेरे लिए energy है, मेरे लिए जो energy है जो मुझे required है अभी, I will use it. But जो extra है वो मैं क्या करूँगी, starch के रूप में रख दूँगी if I'm a plant. In case of humans, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है. तो इट इज़ द सेम वे लाइक दिस ओनली. प्लांट क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में रखते हैं, और हम कैसे करते हैं, ग्लाइकोजन के. कैन वी जस्ट मूव अहेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि स्टार्च ये बेसिकली एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट बोलते हैं इसको. ये बहुत सारे स्टेप्स हैं. ये इफ यू हैव जस्ट वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव ओपन द टेक्स्ट बुक, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये पूरी एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या होता है. इसमें करते क्या है कि पहले एक लीफ लेंगे, उसको 5-6 घंटे अच्छे से सनलाइट में एक्सपोज किया गया है. बिकॉज यहाँ पे एम क्या है कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट था वो स्टार्च के रूप में स्टोर हुआ है. ये अभी हमने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा, बट उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. सो कैसे करते हैं इसको, बेसिकली ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. यू ऑल कैन डू इन योर स्कूल इफ दे हैव सच फैसिलिटी. वेरी सिंपल, व्हाट दे डू दे टेक लीव जिसको 5-6 घंटे क्या हुआ है, सनलाइट के से एक्सपोज करके उसको रखा हुआ है. फिर उसको लेते हैं, उसको बॉइलिंग वाटर में बॉइल करते हैं. तो जब उसको बॉइल करते हैं ना बच्चों, तो व्हाट हैपेंस, लीफ, इट विल किल द लीफ, लीफ मर जाएगी. उसके सेल में जो
उसके जो सेल वॉल हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. जैसे ही वो डैमेज हो जाएंगे, इट विल अलाउ आगे चल के आयोडीन को अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन एज ए डिटेक्शन यूज किया जाएगा. फिर क्या करूँगी मैं, उस लीफ को निकालूंगी और उसको अल्कोहल में डिप कर दूंगी. अल्कोहल में डिप करने के बाद क्या होगा, जो लीफ का क्लोरोफिल है इट विल कम आउट इन अल्कोहल. इसीलिए क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेप ना बच्चों, अल्कोहल क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है, अब क्लोरोफिल उसमें से निकाल दिया, उसके बाद क्या करना है, उस पत्ते को लीफ को निकालना है और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, स्टार्च के साथ वो क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और एक वायलेट कलर का कलर देगा. एंड जहाँ जहाँ पे आपको वायलेट कलर के दिखेंगे, समझ लो कि वहाँ पे प्लांट ने अपना एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो यू कैन सी हियर, बिफोर स्टार्च टेस्ट एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat in our body is in the form of glycogen. So what I've just repeated. So these are the process of photosynthesis. First क्या होगा, absorption of light energy by chlorophyll. तो chlorophyll क्या करेंगे, they are ready कि sunlight ने energy थी तो मैं उसको capture कर लूँ. Capture हो गया. Conversion of light energy into chemical energy and splitting water molecule into hydrogen and an oxygen. तो जो light आई थी उसको chemical energy बना लेंगे और जो water आया था उसको क्या, hydrogen और oxygen बना देंगे. Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. और अब क्या बना लेना, carbohydrate. Note that these steps are need not to be taken place one after the other immediately, because it all depends कि उस plant का habitat क्या है, मतलब वो कहाँ पाया जाता है. For example, the desert plant. Desert plant take up carbon dioxide at night. वो night में क्या करते हैं, carbon dioxide ले लेते हैं और prepare कर देते हैं intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो एक intermediate बना के वो रखे रहेंगे, सुबह जब सनलाइट आएगी तो उनका क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और खाना बना देगा. सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स. सो आई कैन से फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट एनर्जी देगा, रूट से क्या मिलेगा, वाटर, और स्टोमेटा से क्या मिलेगा, CO2. So what I have said, they prepared the glucose, carbohydrate बनाते हैं. So this is very important equation in for your exam, do not forget it. इसको please याद करो, ये exam में बहुत important है when you are explaining about the autotrophic nutrition by the plants. So this is the just a simple slide so that you understand what is the importance of chlorophyll. Chlorophyll is essential for photosynthesis. So here chlorophyll will be present in leaves. To make its food, the plant needs chlorophyll and light. तो chlorophyll अगर नहीं रहा तो light कौन लेकर आएगा? और leaf में क्या है? Stomata है. अब आप मुझे बोलोगे मैम हमको तो कभी stomata दिखा नहीं. उसके लिए बच्चों आपको microscope की ज़रूरत है stomata देखने के लिए. वो क्या लेकर आएंगे? CO2. और इससे क्या बन जाएगा? Food. So can we just move ahead? दिस इज सम रिटन समथिंग इन सम अदर लैंग्वेज भी जो अलग है, बट यहाँ पे देखो ये स्टोमेटा जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल मतलब अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को और पानी को क्या बाहर किया जाता है. इसी को बोलते हैं, जब पानी को बाहर फेंकते हैं ना तो उनका वाटर लॉस होता है लीव से ही वाटर लॉस होता है. पूरे प्लांट का जो वाटर लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेप एक हद तक लीव से होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन लीव्स. एंड CO2 को अंदर भी लिया जाता है बाय दी फ्रॉम द एटमोसफियर बाय दी स्टोमेटा. अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव थ्रू दी स्पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब जो स्टोमेटा आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम रूट एंड लीव्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोमेटा से हो रहा है, बट येस स्टेम और रूट से भी होता है. Since large amount of water can also be lost through these stomata, अगर ऐसा रहा कि stomata अपने हिसाब से ओपन क्लोज होगा
तो प्लांट कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके वाटर सारा लॉस हो जाएगा. सो द प्लांट क्लोजेज दी स्पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब ये ओपन होगा. अरे हाँ, कब ओपन होगा, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो वो ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का फुल टाइम वो स्टोमेटा का स्टोमेटा ओपन नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज इससे क्या होगा, अगर वो ओपन रहेगा तो वाटर लॉस होगा. तो इसकी जो पूरी फंक्शनैलिटी, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गार्ड सेल विच इज देयर इन दिस पिक्चर. इफ यू कैन सी दिस, the guard cells swells when the water flows into them, causing the stomatal pores to open. Whereas similarly the pore closes if the guard cell shrink. तो shrink होना और swell होने के ऊपर actually it is stomata की opening, it is controlled by the guard cell. Okay? So अभी क्या carbon dioxide ही चाहिए, water और nitrogen भी चाहिए रहेगा. तो वाटर और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, यू मस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज भी बहुत होते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, इट इज़ अ यूजफुल माइक्रोब. एंड वाटर कौन लेकर आएगा, रूट लेकर आएंगे. तो दीज आर द सम अदर न्यूट्रिशंस विच विल कम बाय रूट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया. लाइक यूजफुल जो माइक्रोब्स है वो लेकर, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं. Water used in the photosynthesis is taken up from the soil by the roots in the terrestrial animals. So see, here the water is going. क्यों? क्योंकि xylem है उनके पास. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil only. क्योंकि ये सब soil में present है. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. Yeah, they are the building blocks. इसीलिए जब कोई भी, अभी आप सोयाबीन और बीन्स को क्या बोलते हैं, अरे इसको खाओ बहुत प्रोटीन है. क्यों? क्योंकि उनके उनमें बहुत सारा जो हम खाते हैं ना, दे आर एक्चुअली नाइट्रोजन, उसमें फिक्सेशन बहुत अच्छा होता है. एंड यस, दे कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स. This is taken up in the form of inorganic nitrates and nitrates, or it is taken up by the organic compounds which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen. So these are जो bacteria करते हैं ना, उसको बोलते हैं nitrogen fixation. So this is all about the autotrophic nutrition, and the example is plant. Next video will start with the explanation of heterotrophs. हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, लाइक अबाउट अस. सो मीनवाइल व्हाट यू डू, यू जस्ट रिवाइज एवरीथिंग एंड नोट्स बनाकर रखो. थैंक यू.